दोस्तों स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। दोस्तों ऐसे भी आपको थंबनेल से पता चल गया होगा कि आज की इस वीडियो में हम आपको क्या बताने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देख लीजिए, हमारा जो है गूगल एडसेंस का पिन आ गया है। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे कुछ ऐसे है और यहाँ पे देखिए जो हमारा एड्रेस लिखा है, ठीक है, और इधर जो है सिंपल जो है गूगल एडसेंस लिखा है, और जो है ये कैसे आता है और इसको जो है कैसे मंगाया जाता है और जो है इसको मतलब आने के बाद क्या किया जाता है, टोटल जो है आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो बने रही वीडियो में। मेरा नाम है अरमान राज और आप देख रहे हैं टेक्निकल अरमान राज यूट्यूब चैनल। दोस्तों सबसे पहले हम इसको जो है खोल कर दिखाते हैं, इसे खोला कैसे जाता है और इसमें क्या रहता है। तो यहाँ पे देखिए लिखा है रिमूव साइड इगेस्ट फर्स्ट, ठीक है। तो यहाँ से आपको जो है फाड़ना है, ठीक है, यानी कि यहाँ से खोलना है इधर से, और जो है इधर से भी आपको खोलना है, और यहाँ से जो है यहाँ दिखाई दे रहा है आपको, या मतलब तीनों साइड से खोल लेना है पहले। तो यहाँ पे हम खोलते हैं, ऐसे जो है आराम से आप फाड़िएगा, मतलब खोलिएगा तो आराम से खुल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे खोलने का जो है खुद बनाया रहता है यहाँ से। ये रहा, खोल दीजिए। उसके बाद यहाँ पे आपको जो है यहाँ पे देखिए, सबसे पहले इस साइड में देखिएगा तो यहाँ पे कुछ नहीं रहेगा, यहाँ पे ऐसे डिज़ाइन है, ठीक है, और यहाँ पे पिन लिखा है, आपको दिखाई दे रहा होगा पीले में, उतना फ्रेश नहीं दिखाई दे रहा हूँ। उसके बाद देखिए यहाँ पे जो है हमारा गूगल एडसेंस का जो है पिन, ये जो पिन दिखाई दे रहा है यहाँ पे, यही पिन जो है हमें जो है अपने गूगल अकाउंट में जो है एडसेंस अकाउंट में गूगल के, इसको जो है वेरीफाई करना पड़ता है। दोस्तों जब तक ये वेरीफाई नहीं कीजिएगा जब तक आपका जो है पेमेंट आपके बैंक में नहीं आएगा। तो बात कर लेते हैं ये आता कब है, ठीक है। तो आप जब आपके जो है एडसेंस अकाउंट में $10 यानी कंप्लीट हो जाता है या उससे अधिक हो जाता है, तो आपको जो है अपना आइडेंटिटी वेरीफिकेशन करना होता है, यानी कि आपका जो है कोई भी एक आईडी से आइडेंटिटी वेरीफिकेशन करना होता है। उसके बाद जो है ये 3 हफ्ता यानी कि 4 हफ्ता यानी कि 1 मंथ के अंदर में ये आपके जो है पोस्ट ऑफिस द्वारा आपके घर पर आ जाता है। तो इसे जो है हमें अपने एडसेंस अकाउंट के जो है अकाउंट में जाकर इसे फिल करना होता है और इसे वेरीफाई करना होता है। तो चलिए हम लेकर चलते हैं अपने कंप्यूटर के स्क्रीन पर और वहाँ पर बताते हैं कि आपको जो है इसे वेरीफाई कैसे कीजिएगा। तो यहाँ पर देख लीजिए, यही जो पिन दिखाई दे रहा है यही पिन हमें वेरीफाई करना है। तो चलिए हम लेकर चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो दोस्तों देखिए हम आ चुके हैं अपने कंप्यूटर के स्क्रीन पर और यहाँ पर देखिए हमारा जो है एडसेंस अकाउंट का होम स्क्रीन चालू है और यहाँ पे देखिए जो है हमारा बैलेंस जो है अभी $55 फिलहाल दिखा रहा है और यहाँ पे देखिएगा तो लिख रहा है योर पेमेंट आर ऑन होल्ड और यहाँ पे लिख रहा है वेरीफाई योर एड्रेस, ठीक है, यानी कि यहाँ पे जो है एक्शन का भी बटन दिया है, यानी कि जो आपका जो है पिन वेरीफिकेशन कीजिएगा तभी जो है आपका जो है पेमेंट आ पाएगा, नहीं तो अभी आपका जो है पेमेंट रोक दिया गया है। तो आपको जो है यहाँ से भी एक्शन पे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ से भी अपना पिन वेरिफिकेशन कर सकते हैं, ठीक है। नहीं यहाँ से अगर नहीं करना चाहते हैं या यहाँ पे जो शो नहीं कर रहा है तो आप जो है यहाँ पे देखिए यहाँ पे पेमेंट पे जब क्लिक कीजिएगा यहाँ पे पेमेंट पे, उसके बाद देखिए नीचे लिखा है वेरिफिकेशन चेक, ठीक है, तो यहाँ पे वेरिफिकेशन चेक पे आपको क्लिक कर देना है। जब यहाँ पे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे दोस्तों देखिए हम नीचे करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों फर्स्ट में जो है आइडेंटिटी वेरिफिकेशन करना होता है जो कि हमारे यहाँ पे लिख रहा है कम्प्लीटेड, यानी कि हमारा जो आइडेंटिटी वेरिफिकेशन है हमारा कम्प्लीट हो गया है। उसके नीचे लिख रहा है एड्रेस वेरिफिकेशन जो कि अभी नहीं हुआ है, क्योंकि जो है हम यहाँ पे जब पिन नंबर जो भी पिन आया एडसेंस पिन में वो जब यहाँ पे फिल करेंगे सबमिट करेंगे तभी जो है हमारा एडसेंस वेरिफिकेशन हो पाएगा। दोस्तों ये बता दे आपको जो है ये कितना दिन में आया है, यहाँ पे दिखा दे रहा है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है मतलब हम जो है 18 तारीख को जो है 18 अप्रैल को यहाँ पे जो है अपना आइडेंटिटी वेरिफिकेशन किए थे और यहाँ पे जो लिख रहा है सेंट 18 अप्रैल 2023 को और जो आज जो डेट है वो है जिस टाइम हम वीडियो बना रहे हैं वो आज जो है 28/4/2023 है, यानी कि 28 अप्रैल। अब देख सकते हैं यानी कि 10 दिन के अंदर में ही हमारा पिन जो है आ गया है, यानी कि दो वीक का टाइम लेता है, 3 वीक में आ जाता है, ठीक है, महीना दिन में लग सकता है, इसका कोई गारंटी नहीं है। तो आप जो है पिन डालने के लिए यहाँ पे सिंपल जो है जो पिन हम दिखाए हैं वो पिन यहाँ पे आपको डाल देना है, उसके बाद यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर देना है। दोस्तों लेकिन यहाँ पे देखिए लिख रहा है यू हैव 3, यानी कि आप जो है 3 बार ही अपना पिन यहाँ पे डाल सकते हैं। अगर रॉन्ग पिन डालिएगा तो 3 बार ही ऑप्शन देता है, तो आप अच्छे से पिन डालिएगा, रॉन्ग पिन यानी कि गलत पिन नहीं डालिएगा, देखकर अच्छे से ध्यान से डालिएगा। तो यहाँ पे हम अपना पिन जो है डाल लेते हैं और आपको बताते हैं कि क्या करना है। पिन पहले यहाँ पे डाल लीजिए, तो हमारा जो पिन है यहाँ पे हम अपना पिन डालते हैं। दोस्तों पिन डालने के बाद यहाँ पे जो है आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है, सबमिट पे क्लिक करते ही आपका जो है एड्रेस वेरिफिकेशन सबमिट हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्लिक करते हैं,
तो यहाँ पे देखिए कुछ वेट कर कीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे नीचे जो है फाइनली एड्रेस वेरिफिकेशन भी कंप्लीट लिख दिया, यानी कि एड्रेस वेरिफिकेशन भी कंप्लीट हमारा हो गया है। यहाँ पे जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है, ठीक है, इस पर एक बार जो है अपने एडसेंस अकाउंट को रिफ्रेश कीजिएगा। तो यहाँ पे हम रिफ्रेश करते हैं और ऊपर से भी ऑप्शन वो हट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे रिफ्रेश कीजिए, रिफ्रेश हो रहा है। और दोस्तों देखिए अभी आया नहीं है, अभी आ रहा है। तो यहाँ पे हम दिखाते हैं ऊपर से भी जो है वो जो है एडसेंस ऑन होल्ड का जो है दिखाई दे रहा था एक्शन बटन का, वो जो है ऊपर से भी हट गया है। दिखाते हैं होम में आकर, यहाँ पे होम पेज पे आते हैं, यहाँ पे भी नहीं शो कर रहा है, ठीक है। तो अब जो है हमारा आइडेंटिटी वेरिफिकेशन भी हो गया, एड्रेस वेरिफिकेशन भी हो गया, एड्रेस वेरिफिकेशन। उसके बाद आपको जो है अब क्या करना है, अब आपको अपना जो है बैंक अकाउंट ऐड करना है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे हम दिखा देते हैं बैंक अकाउंट कहाँ ऐड करना है आपको। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे नीचे आइएगा, तो यहाँ पे देखिए हमारा जो है ऐड पेमेंट मेथड का जो ऑप्शन आ रहा है, यहाँ से अपना बैंक अकाउंट ऐड करना है। तो अगर अभी तक आप भी बैंक अकाउंट अपना ऐड नहीं किए हैं तो ऐड कैसे कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत ही जल्द ही इस पे भी एक वीडियो आने वाला है, तो इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद, वंदे मातरम।